गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, आज हम लोग आपके हिंदी किताब के अध्याय 8 में हश्यों की मात्रा को देखेंगे, पढ़ेंगे। ये पेज नंबर 19 पे है, 19। तो हश्यों की मात्रा को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने अभी तक कौन कौन से मात्रा सीखे हैं। हमने आ की मात्रा देखा है, आकार, जो किसी भी अक्षर के पीछे लगता है। जैसे क हो गया तो क के पीछे लगेगा आकार। हमने ईकार सीखा है, ईकार में हमने हश्य की मात्रा सीखी है, छोटी ई की, और बड़ी ई की मात्रा भी हमने पढ़ी है। तो हश्य की मात्रा किसी भी अक्षर के सामने लगता है और दीर्घई की मात्रा किसी भी अक्षर के पीछे लगता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हश्यों की मात्रा, हश्यव छोटी ऊ की मात्रा, जो किसी भी अक्षर के नीचे लगता है। नीचे इस तरह से घुमाते हुए, यूं, ठीक है। तो किसी भी अक्षर के नीचे लगता है इस तरीके से, इसे हम क्या कहते हैं, हश्यव की मात्रा, यानी कि छोटी ऊ की मात्रा, ठीक है। अब पढ़ते हैं, पढ़िए और समझिए। क में हश्यव की मात्रा मिलेगा, को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कु, ठीक है। क में आकार, का। क में छोटी ई की मात्रा, हश्यव की मात्रा, की, छोटा बोलेंगे, की। क में दीर्घई की मात्रा, की, थोड़ा लंबा बोलेंगे। ठीक उसी तरीके से क में जब हम हश्यव की मात्रा को जोड़ेंगे तो कैसे बोलेंगे, छोटा बोलेंगे, कु। छ में हश्यव की मात्रा, छु। ग में हश्यव की मात्रा, गु। ध में हश्यव की मात्रा, धु। म में हश्यव की मात्रा, मु। प धन हश्यव की मात्रा, पु। स धन हश्यव की मात्रा, सु। ह धन हश्यव की मात्रा बराबर हु। तालिबश धन हश्यव की मात्रा बराबर शु, ठीक है, छोटा बोलेंगे, शु। शब्दों को पढ़ते हैं, प हश्यव की मात्रा, ल, पुल। म में हश्यव की मात्रा, न में हश्यई की मात्रा, मुनि। ग में हश्यव की मात्रा, ड में हश्य की मात्रा, य में आ की मात्रा, गुड़िया। क में हश्यव की मात्रा, ल में दीर्घई की मात्रा, कुली। ग में हश्यव की मात्रा, ल में आकार, ब, गुलाब। म में हश्यव की मात्रा, र, ग में आकार, मुर्गा। क छ में हश्यव की मात्रा, आ, आ बोल सकते हो या फिर अ में आकार, कछुआ। क में हश्यव की मात्रा, र, स में दीर्घई की मात्रा, कुर्सी। म में हश्यव की मात्रा, क में हश्यव की मात्रा, ट, मुकुट। अब अगले पेज में चलते हैं, पेज नंबर 20, जहाँ पे कई सारे शब्द दिए हैं और छोटे छोटे से वाक्य भी दिए हैं, तो इनको हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। बोल कर पढ़िए। क में हश्यव की मात्रा, ल, कुल। ब में हश्यव की मात्रा, न, बुन। स में हश्यव की मात्रा, न, सुन। ग में हश्यव की मात्रा, न, गुन। च में हश्यव की मात्रा, न, चुन। ध में हश्यव की मात्रा, न, धुन। ब में हश्यव की मात्रा, ल, बुल। ख में हश्यव की मात्रा, ल, खुल। स में हश्यव की मात्रा, ख, सुख। द में हश्यव की मात्रा, ख, दुख। म में हश्यव की मात्रा, न, मुन। स में हश्यव की मात्रा, दीर्घई, सुई। ख में हश्यव की मात्रा, ल में अकार, खुला।
ध में हश्यव की मात्रा, ल में आकार, धुला। ब में हश्यव की मात्रा, न में आकार, बुना। च में हश्यव की मात्रा, न में आकार, चुना। स में हश्यव की मात्रा, न में आकार, सुना। स में हश्यव की मात्रा, न, सुन। क में हश्यव की मात्रा, ल में दीर्घई, कुली। स में हश्यव की मात्रा, न में दीर्घई, सुनी। ध में हश्यव की मात्रा, ल में दीर्घई की मात्रा, धुली। ख में हश्यव की मात्रा, ल में दीर्घई की मात्रा, खुली। ख में हश्यव की मात्रा, तालिवश्य में दीर्घई की मात्रा, खुशी। म में हश्यव की मात्रा, न में हश्यई की मात्रा, मुनी। ब में हश्यव की मात्रा, ढ में हश्यई की मात्रा, य में आकार, बुढ़िया। ग में हश्यव की मात्रा, ड में हश्यई की मात्रा, य में आकार, गुड़िया। ख में हश्यव की मात्रा, ड में हश्यई की मात्रा, य में आकार, खुड़िया। प में हश्यव की मात्रा, ड में हश्यई की मात्रा, य में आकार, पुड़िया। ब ट में हश्यव की मात्रा, अ में आकार, बटुआ। ल में हश्यव की मात्रा, ट में हश्यई की मात्रा, य में आकार, लुटिया। क में हश्यव की मात्रा, म, क में हश्यव की मात्रा, म, कुमकुम। ब में हश्यव की मात्रा, ल, ब में हश्यव की मात्रा, ल, बुलबुल। ग में हश्यव की मात्रा, प, च में हश्यव की मात्रा, प, गुपचुप। ग में हश्यव की मात्रा, म, स में हश्यव की मात्रा, म, गुमसुम। च में हश्यव की मात्रा, न, म में हश्यव की मात्रा, न, चुनमुन। ग में हश्यव की मात्रा, ल, तालिवश्य, न, गुलशन। फुदक फुदक कर बुलबुल आती। फ में हश्यव की मात्रा, द, क, फुदक। फ में हश्यव की मात्रा, द, क, फुदक, कर, कर। ब में हश्यव की मात्रा, ल, ब में हश्यव की मात्रा, ल, बुलबुल। अ में आकार, त में दीर्घई, आती। फुदक फुदक कर बुलबुल आती। ग में दीर्घई की मात्रा, त, गीत। स में हश्यव की मात्रा, न में आकार, सुना। फ में हश्यव की मात्रा, र, फ में हश्यव की मात्रा, र, हश्यव, ड, उड़। ज में आकार, त में दीर्घई, जाती। गीत सुना, फुरफुर उड़ जाती। कौन? चिड़िया, बुलबुल चिड़िया। ह में हश्यव की मात्रा, दीर्घई, हुई। स में हश्यव की मात्रा, ब, ह, सुबह। अब, अब, तालिवश्य, अकार, म, शाम। ब में दीर्घई की मात्रा, त में दीर्घई की मात्रा, बीती। हुई सुबह, अब, शाम, बीती। ف में हश्यव की मात्रा, ल, व में आकार, र में दीर्घई, फुलवारी। क में दीर्घई की मात्रा, की। ख में हश्यव की मात्रा, तालिवश्य, ब में हश्यव की मात्रा, खुशबू। म, ह, क में दीर्घई की मात्रा, महकी, फुलवारी की खुशबू, महकी। ग में हश्यव की मात्रा, म, स में हश्यव की मात्रा, म, गुमसुम। म, त, मत, र, ह, रह। ग में आकार, न में आकार, गाना। ग में आकार, गा, गुमसुम, मत, रह, गाना, गा। द में हश्यव की मात्रा, ख, दुख। म, त, मत, क, र, कर। ख में आकार, न में आकार, खाना। ख में आकार, खा, दुख मत कर, खाना खा। स में आकार, ध में हश्यव की मात्रा, साधु। क में दीर्घई की मात्रा, की। क में हश्यव, ट में हश्यई। य में आकार, कुटिया। पर, पर। ज में आकार, जा, साधु की कुटिया पर जा। ल में हश्यव, ट में हश्यई। य में आकार, लुटिया। भर, भर, कर, कर। प में आकार, न में दीर्घई, पानी। रख, रख। अ में आकार, आ, लुटिया भर कर पानी रख आ। बच्चों, पेज नंबर 21 आपके हिंदी किताब में हश्यव की मात्रा से एक छोटी कहानी है गुलाब, जहाँ पे हमें ये कुछ नए शब्द सीखने को मिलेंगे। पढ़ते हैं, दातून, चुपचाप, बुलबुल, खुरपा, लुटिया। राहुल, सुबह हुई,
अब उठ, दातून कर, दातून दातून यानी मंजन, ब्रश करो, साबुन मल कर नहा, धुला कुर्ता पहन, भुजिया बनाकर खा, बाहर जा, पुल पर मत जा, पुल यानी कि कोई ब्रिज, छोटा सा ब्रिज होगा तो राहुल की मम्मी उसे पुल पर जाने के लिए मना कर रही है। शुभ वचन कह, शुभ वचन यानी कि शुभ यानी कि अच्छी, वचन यानी कि बातें, अच्छी बातें करना है। पेज नंबर 22 पे हर्षव से दिए गए अभ्यास को करेंगे। प्रश्न एक, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो पहला है गुलाब, ग में हर्षव की मात्रा, ल में आकार, ब गुलाब। दूसरा है मुर्गा, म में हर्षव की मात्रा, र ग में आकार, मुर्गा। तीसरा है मुकुट, म में हर्षव की मात्रा, क में हर्षव की मात्रा, ट मुकुट, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर दो, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, बोलकर जवाब देना है। तो हम यहाँ पे एक शब्द में उत्तर को लिखेंगे। सुबह किसे नहाने के लिए कहा गया, किसे नहाने के लिए कहा गया, तो ये कहानी पर निर्धारित है ये सारे सवाल। राहुल, र में अकार, हाम ह में हर्षव की मात्रा, ल राहुल, तो यहाँ पे हम छोटे से लिखेंगे, र में अकार, ह में हर्षव की मात्रा, ल राहुल को सुबह उठकर नहाने के लिए कहा गया। खुरपा कौन लाई, ख नंबर में खुरपा कौन लाई, तो खुरपा कौन लाया था, कुसुम लाई थी, कुसुम खुरपा लाई, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कुसुम का नाम। क में हर्षव की मात्रा, स में हर्षव की मात्रा, म कुसुम, ठीक है। राहुल लुटिया भरकर क्या लाया, राहुल लुटिया भरकर जल लाया था, गुलाब में देने के लिए, गुलाब के कलम पर देने के लिए राहुल लुटिया भरकर जल लाया था। कुछ दिन बाद कौन सा फूल खिला, कुछ दिन बाद गुलाब खिला था, तो ग में हर्षव की मात्रा, ल में आकार, ब गुलाब, ठीक है। फिर आखिरी प्रश्न, प्रश्न अंगा, कौन कौन खुश हुए, तो खिलते गुलाब को देखकर कौन कौन खुश हो गया था, कुसुम और राहुल, कुसुम व राहुल दोनों बहुत खुश हो गए थे गुलाब को खिलता देखकर, कुसुम और औ र और राहुल, र में अकार, ह में हर्षव, ल राहुल, ठीक है। हर्षव की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए, तो शुरू करते हैं गुलाब, गुलाब दिया हुआ है इसको हम लोग लिखेंगे, सही शब्द हो जाएगा गुलाब। खरपा, खरपा का हो जाएगा खुरपा। चतर, चतर का हो जाएगा चतुर। खश, खश का हो जाएगा खुश। कटिया, कटिया का हो जाएगा कुटिया। क में हर्षव, ट में हर्षई, य में आकार, कुटिया। सबह का हो जाएगा सुबह, सुबह। नुकसान का हो जाएगा नुकसान। जामुन का हो जाएगा जामुन।
गपचप का हो जाएगा गुपचुप। प्रश्न चार, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। लुटिया चुटिया नुकसान गुलाब। क, गुड़िया की डैश खुली थी, गुड़िया की चुटिया खुली थी। चुटिया हम लोग बाल में बांधते हैं, बाल को इकट्ठा करते हुए चुटिया बांधते हैं, तो चुटिया खुली थी। डैश भरकर पानी रख आना लुटिया। लुटिया मतलब घड़े जैसा होता है, लोटे जैसा होता है लुटिया। कुछ दिन बाद डैश खिला गुलाब खिला। कुछ दिन बाद क्या खिला? गुलाब। ग में हर्षव, ल में अकार, प गुलाब। किसी का डैश मत करो, मत कर नुकसान। नुकसान यानी कि हानि। किसी का, किसी को हानि मत पहुंचाओ, किसी का खराब मत करो, बुरा मत करो किसी के साथ, नुकसान। ठीक है, पांच नंबर, इन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में पांच पांच बार लिखिए। तो ठीक पहले की तरह, जिस तरह से हमने पहले के अभ्यासों में किया है, हर एक शब्द को अपने अपने कॉपी में पांच पांच बार लिखना है व याद करना है। पहला है फुलवारी, चुनमुन, गुनगुना, बुलबुल, गुपचुप। ठीक है।